दोस्तों अगर आप भी एमजी एक्टर लेने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आप ओन करते हैं एमजी एक्टर और स्पेस को लेकर आपको उसमें अभी भी डाउट्स हैं कि कितना ज्यादा स्पेस मिलता है, कितना सामान आ सकता है या उसमें जो फ्लैट बेड बनता है क्या वो यूजफुल होता है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं एमजी एक्टर में स्पेस को लेकर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहें, ज्यादा समय ना लेते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें इस ट्रे को हटाना, उसके बाद जो दूसरा स्टेप इसके अंदर होता है वो सीटों को डाउन करना होता है। सबसे पहले स्टेप में ट्रे कैसे हटाई जाती है ये आपको दिखा देता हूँ। ट्रे को हटाने के लिए सबसे पहले कि जिस तरीके से आप इस पार्सल ट्रे को यहाँ से हटाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे जो ये स्टिक हो रखा है इसको भी आप कुछ इस तरीके से खींच कर यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद आपको इस बार को यहाँ से हटाना है, तो इस बार को हटाने के लिए कुछ इस तरीके से इसको पीछे की तरफ धकेलेंगे और आप देखेंगे कि बार जो है वो ईजिली यहाँ पे बाहर आ जाती है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने पार्सल ट्रे को हटा दिया। पार्सल ट्रे को हटाने के बाद हमें कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। अब इस स्पेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैसे इसको प्रॉपर एक फ्लैट बेड में कन्वर्ट करेंगे वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सीटों को डाउन करने के लिए आपको ये जो लीवर है इसको ऊपर की तरफ आप पुल करेंगे। आप देखेंगे सीट अपने आप थोड़ी आगे आ गई है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से हाथ की मदद से नीचे की तरफ दबाएंगे और इसको इस तरीके से डाउन कर लेंगे। सेम प्रोसेस हम सामने वाली सीट के लिए भी करेंगे। अभी मैंने इसके लीवर को पुल कर लिया और इसको भी सेम प्रोसीजर से डाउन कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक फ्लैट सरफेस आपको यहाँ पे मिल जाती है, एक फ्लैट बेड आपको मिल जाता है। अब इसके ऊपर मैं आपको अपनी पूरी की पूरी एक जो चादर है उसको बिछा के दिखाता हूँ, एक पिलो रख के दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ अंदर लेटने में कितना स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है। कुछ इस तरीके से हम ये जो चादर है इसको यहाँ पे बिछा देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं चादर को बिछा दिया। अभी ये मेरा पिलो है, एक बार मैं पिलो को यहाँ पर लगा देता हूँ और आपको लेट के दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आपको कितना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे लेटने में मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर लेट गया हूँ और पूरा का पूरा बिल्कुल फ्लैट में लेटा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बिल्कुल मेरा जो सर है बिल्कुल सीट के साथ यहाँ पे टच है। इस तरफ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इस तरफ पूरे सीट के साथ टच है और सामने की तरफ अगर मैं नीचे की तरफ दिखाऊँ तो अभी भी आप देख सकते हैं मेरी जो हाइट है वो 5'11" है। उसके बावजूद भी मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। मेरा पैर जो है बिल्कुल उसकी कॉर्नर जो है यहाँ पे टच नहीं करता है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब एक बार ही क्या करते हैं इस जो डिक्की है इसको मैं बंद करके आपको दिखा देता हूँ, क्या डिक्की बंद होने के बाद भी पैर वगैरह जो है वो आपके डिक्की से टकराता है या नहीं। तो एक बार इसको क्लोज करते हैं। अभी हमने डिक्की को बंद कर दिया और आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास इतना स्पेस है कि मेरा पैर जो है वो डिक्की की जो यहाँ पे कॉर्नर है उससे टकरा नहीं रहा है। अब मैं एक बार अपनी पोजीशन को भी चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं डिक्की वाली साइड पे सोता हूँ और इस तरफ में आपको पता चल जाएगा कि मेरे पैर कितने लंबे और कितने नीचे तक यहाँ पे आते हैं। तो एक बार मैं पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब मैंने अपना जो पिलो है यहाँ पे लगा दिया है और एक बार आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सो के दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पैर कितना लंबा आ रहे हैं। तो एक प्रॉपर फ्लैट बेड आपको मिल जाता है और सबसे अच्छी बात इस फ्लैट बेड की यह है कि इसमें कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी हंप नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके की कोई उठी हुई चीज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल ये फ्लैट बनता है। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हैं कहीं पे गाड़ी रोक के सोना चाहते हैं तो आराम से लंबा अपना आराम ले सकते हैं, कहीं भी आपको पीठ वगैरह में दर्द नहीं होगी क्योंकि किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई ऊंचाई नहीं मिलती है, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस आपको यहाँ पे मिलती है। अगर ओवरऑल स्पेस की बात करूँ कि कितना स्पेस हमें इसमें मिलता है तो एक बार अप्रॉक्स फिगर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। करीबन 6 फीट लंबा आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है और 3 फीट चौड़ा आपको स्पेस मिल जाता है। तो अगर चौड़ाई की मैं बात करूँ, एक बार दोबारा लेट के दिखाता हूँ कि किस तरीके से अगर आपके साथ भी कोई अडल्ट जा रहा है तो वो क्या आपके साथ यहाँ पे आराम कर सकता है या नहीं। तो अगर मैं थोड़ा कॉर्नर में यहाँ पे कर लूँ तो आप देखिए एक अडल्ट आराम से इजिली यहाँ पे सो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे सोया हूँ एक अडल्ट यहाँ पे सो सकता है। अगर आपके साथ 2 बच्चे जा रहे हैं तो आप सेंटर में अगर मैं आ जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 छोटे बच्चों के सोने की अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है। तो अगर आपके साथ भी बच्चे वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं, 2-4 बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में भी आप इजीली यहाँ पे उनको सुला सकते हैं। तो अगर आप रात को सोए हुए हैं और किसी पहाड़ी इलाके में सोए हैं या आप बिल्कुल क्लियर स्काई देखना चाहते हैं या रेन वगैरह हो रही है तो रेन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप देखेंगे कि सोते सोते भी आपको किस तरीके का एक व्यू मिलता है। अगर आपने भी सनरूफ वाला ऑप्शन लिया हुआ है एमजी एक्टर के अंदर तो एक अच्छी खासी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है जो सोते सोते आपको एक बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। अगर आप सिटिंग करना चाहते हैं लेटने के अलावा तो यहाँ पे सिटिंग में करीबन 5 बंदे आराम से इजिली यहाँ पे बैठ सकते हैं अपने आपको पोजीशन करके। छोटा मोटा आप खाना पीना चाहते हैं तो वो भी इजिली यहाँ पे सेंटर में प्लेस करके खा सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए भी आप इस स्पेस को अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास सामान ज्यादा है, आप सिर्फ 2 लोग गाड़ी में जा रहे हैं और
काफी ज्यादा सामान साथ में लेके जा रहे हैं, कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करना है, तो उस केस में तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा स्पेस आपको पूरा का पूरा सामान रखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि अगर आपके पास भी MG Hector है तो कितना ज्यादा स्पेस आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। स्टिल अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।